तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उससे आपका चैनल रन में आ जाएगा, नहीं आया तो मैं यूट्यूब खुद छोड़ दूंगा। दोस्तों आपका 5-10 व्यूज क्यों आता है, आखिर क्यों आप 10-5 व्यूज पर ही बार बार अटक जाते हैं, इसका कुसरवार आप खुद ही हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको इस गलती को नहीं करना है, फिर भी आप एक ही गलती को बार बार कर रहे हैं, जो कि भाई यह आपके चैनल को फ्रीज करता जा रहा है। व्यूज नहीं आ रहा आपके चैनल पे, क्यों नहीं आ रहा? आप यार एक ही गलती को बार बार करते हो जो कि आपको नहीं करना है। कितना बार आपको समझाया है, कितना बार समझाया है, इस गलती को मत कीजिए, मत कीजिए, आपका चैनल वायरल हो जाएगा, फ्रीज नहीं होगा। लेकिन आप सब सुन नहीं रहे मेरी बातों को, फिर से मुझे बताना पड़ रहा है, एक ही बात को बार बार बता रहा हूँ यार। इंस्टाग्राम लाइव में बता रहा हूँ, यूट्यूब लाइव में बता रहा हूँ, हर जगह बस एक ही बात बता रहा हूँ कि आपका 10-20 व्यूज आता है तो एक काम करना, एक काम करना है, आप सुन ही नहीं रहे हो। आज एक बार फिर से सुन लीजिए भाई, अगर आपका 10-20 व्यूज आता है तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उससे आपका चैनल रन में आ जाएगा, नहीं आया तो मैं यूट्यूब खुद छोड़ दूंगा। अगर आप उस प्रोसेस में काम करते हैं और आपका व्यूज नहीं आता है तो मैं खुद यूट्यूब छोड़ दूंगा, अपना यूट्यूब आपको दान कर दूंगा, ठीक है? बस विश्वास करके आपको काम करना होगा जैसा मैं बता रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या है, इसके लिए मोबाइल स्क्रीन पर चलना होगा। मेरे हाथ में देखिए एक फोन है, ठीक है, और इस फोन का हम पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, और इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। उसके बाद आपको दिखाता है करना क्या है। करना आपको सबसे पहले जाना है क्रोम में, ठीक है, पहले हम चलेंगे क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। क्रोम ब्राउजर में आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना चैनल लॉगिन कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद कस्टमाइज पे नॉर्मली आना है, कस्टमाइज पे क्लिक करके अपने चैनल को ओपन कर लेना है। तो मैं एक चैनल ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको, आपको सेटिंग क्या करना है। उस सेटिंग को आप लोग बार बार भूल जाते हो जिसके कारण आपका चैनल नहीं चल रहा है। भाई ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी यार, कितना दिन रगड़ते रगड़ते रह जाओगे, यूट्यूब पे काम करते करते थक जाओगे, व्यूज नहीं आएगा कुछ भी। दिमाग से चलो, दिमाग से, कुछ लोग मेहनत करते हैं शरीर से, कुछ लोग मेहनत करते हैं दिमाग से, तो आपको दिमाग से मेहनत करना है, नहीं तो सब दिन आप ऐसे ही रह जाओगे यूट्यूब में। देखिए ऐसा खोल लिया मैं, कुछ इस तरह से खुलता है, आपको पता है कई बार खोल के दिखाया हूँ। उसके बाद एक सेटिंग है, ठीक है, नीचे सेटिंग आइकन होता है, सेटिंग पे जाना नॉर्मली, और देखिए खुल रहा है। सेटिंग पे आने के बाद आपको नॉर्मली यहाँ पे एक चैनल का ऑप्शन है, चैनल पे आना है। चैनल पे हम आए यहाँ पे, और यहाँ पे एक कीवर्ड का ऑप्शन है, कीवर्ड देख रहे हैं, पिछला बार भी बताया था, कीवर्ड या हुआ है जिससे आपका चैनल सर्च में आता है। बहुत लोग पूछ रहे थे मेरा चैनल सर्च में नहीं आता है, तो आपको यहीं से डालना है कीवर्ड, अपने चैनल का नाम डालना है। लेकिन उसके अलावा क्या करना है जिससे हमारे चैनल पर व्यू जाना शुरू हो जाएगा, तो भाई उसके लिए आपको एक काम करना है, बस एक काम। और भाई वह काम यह है कि आपको यहाँ पर आपके चैनल से रिलेटेड जितने भी चैनल है मार्केट, जैसे मेरा टेक में चैनल है, तो टेक में आप देखिए मनोज दे हो गए, टेक चैंपियन हो गए, नित्या के सपोर्ट हो गए, और भी बहुत सारे हैं, धर्मेंद्र सर है, आपके क्रिएटर सोच है, बहुत सारे भाई है हमारे, तो सबका नाम आपको यहाँ पे डालना है, सबका चैनल को भाई यहाँ पे क्या करना है, कीवर्ड लगा देना। इससे क्या होगा, यूट्यूब को पता चलता है, YouTube को पता चलता है कि आपका वीडियो किसके पास भेजना है। नहीं तो मान लीजिए हम वीडियो बना दिए, डाल दिए YouTube पर, और YouTube को पता ही नहीं है कि हमें इस वीडियो को किसके पास भेजना है, इंप्रेशन जो हम भेज रहे हैं वह किस बंदे के पास भेजे। अगर सही बंदे के पास हमारा इंप्रेशन ही नहीं जाता है, मान लीजिए हम भाई है टेक के और हमारा चैनल को भेज देगा क्रिकेट वालों के पास, या मान लीजिए हम है टेक के और हमारा कोई इंटरटेनमेंट कैटेगरी वाले फैंस के पास भेज देगा वीडियो यूट्यूब, कौन देखेगा भाई, धीरे धीरे चैनल फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप YouTube को मजबूर कर देंगे कि नहीं भाई आपको इंप्रेशन सिर्फ टेक जो देखते हैं उसी के पास भेजना है, तो भाई आपका चैनल चलेगा, 100% चलेगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है मेरे भाई, बस यहाँ पे कीवर्ड में आना है। मेरा तबीयत खराब है फिर भी वीडियो शूट कर रहा हूँ। कीवर्ड में आना है, और कीवर्ड में आकर यहाँ पे अपने चैनल का नाम डालना है, जैसे मैं डाला हूँ। देखिए यह क्रिकेट का चैनल है, मेरा नया चैनल आ रहा है क्रिकेट का, जिसमें मैं फेस के साथ वीडियो बनाऊंगा। चैनल का नाम है कूल क्रिकेट, तो देखिए मैं लगाया हूँ कूल क्रिकेट, क्रिकेट कूल, उसके बाद मैं क्रिकेट न्यूज, क्रिकेट अपडेट, या फिर और भी देखिए टीवी ऑन क्रिकेट, वासी हबीब, सवेरा पासा, क्रिकेट टीवी, क्रिकेट इन्फो, क्रिकेट मीडिया, स्पोर्ट यार, ये स्पोर्ट तक सारे चैनल का मैं नाम लिख दिया हूँ। इससे क्या हुआ, यूट्यूब भाई इसी चैनल के रिलेटेड फैंस को जो देखते हैं वीडियो उन्हीं को भेजेगा मेरा वीडियो, तो इससे मेरा क्या फायदा होगा, मेरे सही ऑडियंस मिल जाएंगे, सही दर्शक मिल जाएंगे, ऐसे में मेरा चैनल को ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप लोग भाई सब पर ध्यान नहीं देते हो, बहुत लोग तो यहाँ लगाते ही नहीं है, लगाओगे नहीं तो भाई इसमें क्या मतलब कर सकता है कोई। मैं इतना दिन से बता रहा हूँ आपको, आप लगा नहीं रहे हो, यह पहला सेटिंग था आपका। अगर आप टेक चैनल चलाते हैं तो टेक से रिलेटेड जितने चैनल है सबका नाम लिख दीजिए, अगर आप स्पोर्ट में है तो स्पोर्ट से रिलेटेड सबका चैनल का नाम लिख दीजिए, अगर आप इंटरटेनमेंट में है तो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड सबका चैनल का नाम लिख दीजिए। आप जिस फील्ड में है सबका नाम लिख देना है, जो फेमस फेमस चैनल है
इससे आपका चैनल रैंक करना शुरू करेगा मेरे भाई, विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, 3-4 दिन में रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा मैं जब भी देखता हूँ आप सबको वीडियो अपलोड करते हुए, एक काम हमेशा छोड़ देते हो आप लोग, पता नहीं क्यों। देखिए यूट्यूब में चलते हैं, दिखाते हैं आपको। यूट्यूब में आए और उसके बाद मैं अपना ही चैनल को सर्च कर लेता हूँ। मेरा चैनल का नाम है क्या, गोविंदा भाई, ठीक है। तो मैं गोविंदा प्रीति भी मार दूंगा सर, जो कि मेरी बहन का नाम है। देखिए मेरा चैनल आ जाता है। क्यों आ जा रहा है गोविंदा प्रीति सर्च मारने से, क्योंकि यह कीवर्ड लगा हुआ है, हम इस चैनल पर जाते हैं, ठीक है। और चैनल पर आने के बाद मेरा बहुत सारा वीडियो पड़ा है, व्यूज देखिए 14,000, 11,000, 11,000, 18,000, 19,000, 16,000, 38,000, ऐसा व्यूज क्यों आता है भाई। मैंने कुछ वैसा सेटिंग कर रखा है इसमें, क्या मैं इस वीडियो को क्लिक करता हूँ, ठीक है। और देखिए इस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे 24 घंटे में चैनल वायरल होता है। नीचे जाइए, यहाँ आप देखिए हैशटैग, आप देखिए हैशटैग में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, गोविंदा भाई, भाई गोविंदा, टेक टेक्निकल, मनोज दे पॉडकास्ट, मनोज दे ब्लॉग, टेक्निकल योगी, टेक बर्नर, टेक चैंपियन सपोर्ट, सारे क्रिएटर का मैं नाम लिख देता हूँ भाई। इससे क्या होता है कि मेरा वीडियो रैंक करता है, कोई उनको भी सर्च करता है तो मेरा वीडियो आता है। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, जब मैं कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। और रही बात व्यूज की, रही बात कि व्यूज आता है नहीं आता है, तो आप खुद देख लीजिए मेरा गोविंदा भाई चैनल सर्च करके, जिसमें वीडियो देख रहे हैं, या फिर अभी जाकर देखिए जिसमें वीडियो देख रहे हैं उसी पे तो जाना है आपको, सर्च करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए कितना व्यूज आता है, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 आसानी से आता है, टेक में इतना बहुत व्यूज है भाई। तो आप लोग क्यों नहीं मानते मेरी बात को। यह दो सेटिंग आपको कर लेना है, पहले आपको हैशटैग लगाना है और उसके बाद कीवर्ड लगाना है, चैनल सर्च में भी आएगा और वीडियो रैंक भी करेगा, ठीक है। बस यही बताने के लिए मैं यहां तक आया हूं यार, आप लोग विश्वास नहीं करते हो। और जो चैनल मैं दिखाया है अभी क्रिकेट का चैनल था, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्रिकेट का मेरा चैनल का नाम है कूल क्रिकेट, लेकिन आप देखिए यहाँ पे मैं सारे क्रिकेट कंटेंट वाले चैनल को, जो भी क्रिकेट का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, सबका मैंने नाम लिखकर टैग किया। क्यों, ताकि मेरा चैनल जल्दी ग्रो कर जाए, एकदम नया चैनल है, बिना वीडियो के उसपे 400 सब्सक्राइबर होने वाला है। तो आप खुद सोचिए यार कि आप लोग को मैं इतना दिन से एक ही बात बता रहा हूँ, आप लोग मानते क्यों नहीं हो, मुझे समझ नहीं आता है। मानोगे भाई तो पाओगे, नहीं मानोगे तो खोओगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यूट्यूब पर ऐसे खींचते पीछते रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बस इतना कहेंगे कि जो आपको बताया हुआ करना है आपको, और सेटिंग बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल सेटिंग नहीं छोड़ना है, सेटिंग छोड़ दी तो बहुत ज्यादा दिक्कत, व्यूज नहीं आता यार। तो जो बताया हुआ करना है, और यह था अभी का वीडियो, कुछ सीखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, एंड इंस्टाग्राम में गोविंदा 18 के जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।